सो मच, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच जी। आपको मैंने रीमा शो में भी देखा था मगर उस वक्त आपके चेहरे पे बहुत खुशी थी। खुशी ज़्यादा हो गई जी, बस में उस वक्त बहुत खुशी थी, आपका चेहरा खिला हुआ था क्योंकि आपके सामने रीमा बैठी हुई थी। रीमा के भी अपने एक असरात तो है ना, ये तो मानने वाली बात है। सही कह रहे हैं, है ना कि मेरे अपने एक असरात है। दिली खुशी में ज़्यादा अभी है वैसे। अच्छा, दिली खुशी आपको अब हो रही है? हाँ जी, लेकिन मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे हर उस इंसान से मिलकर खुशी होती है जिसको पाकिस्तान को परचम को बुलंद करने का जिसमें जज्बा होता है। थैंक यू जी। और मैं चाहता हूं कि आप तशरीफ़ ले आएँ, तो अब आपके सामने ये सब लोग खड़े होकर आपके लिए क्लैप करेंगे। आप देखिए, राइट, सब लोग खड़े होकर आपके लिए। देखिए तो ये तो आपको कौम के जज्बे का पता लग गया। कौम आपको इस वक्त जो है ना वो ऐसा समझ रही, क्योंकि इतनी मायूसी में आप एकदम एक रोशनी का चिराग बन गए, एक रहबर बन गए कि आपने एक मायूसी में कितनी खुशी दे दी है, छोटी सी सही लेकिन खुशी है। वो लोग खुश हो गए कि यार किसी सतह पे हमारी पजीराई हुई। तो अल्लाह का बहुत करम अदा करता हूँ। ऑब्वियसली मेरी यूएस ओपन से पहले एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह मुल्क में कोई अच्छी न्यूज़ जा सके मेरी तरफ से। मुझे प्राइज़ मनी का कोई लालच नहीं था, मुझे अपनी रैंकिंग का कोई लालच नहीं था, बस ये था किसी तरह लोगों को ना मुस्कुराने का मौका दे सकूँ मैं। आई थिंक वो रमज़ान के महीने की बरकत थी और कौम की दुआएं थी और वालदैन के अल्लाह का बहुत बहुत करम था कि आई वाज एबल टू मेक इट टू द यूएस ओपन फाइनल्स, एक नहीं बल्कि दो बैक टू बैक। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत अल्लाह ने आपको। वेरी नाइस। कब पैदा हुआ आप, क्या कौन सा सन था, क्या स्टार है आपका? मैं पाइसेस हूं जी, 1980 में हुआ था। पाइसेस, ओह फिश। फिश, प्रीटी फिशी। फिशिंग करते हैं? फिशिंग नहीं करता, तैरने का बहुत शौक है। लेकिन तैरने का शौक है, वही ना वो पानी वाली आदतें हैं आप। हाँ बिल्कुल। और पानी वाली कौन कौन सी आदतें हैं आप? काफ़ी फिशी हूँ, मतलब कि पता नहीं लगता है, बिल्कुल काफ़ी, क्योंकि फिश जो है ना वो फेस नहीं कर सकती। आप उसको देखेंगे वो यूँ मुड़ जाएगी। सही कह रहे हैं, इधर देखेंगे इधर चली जाएगी, है कि नहीं? लोग ये कहते हैं मैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है मेरी। नहीं, फिश में एक प्रॉब्लम और भी होती है, वो फंसती जाल में है, कांटे में फंसती है। अभी तक अल्लाह का शुक्र है नहीं फंसा किसी जाल में। अच्छा, रीमा का शुक्र है ना? बिल्कुल, इसलिए तो इधर बैठा हूँ मैं ना। अच्छा, मैं वो अच्छा उनका शुक्र कह रहा हूँ, नहीं फंसा तो इधर पहुँच गया हूँ ना। हाँ सही बात है, मतलब मैं इस सेंस में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक हुस्न भी एक जाल है, बवाल है। बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, इस चीज़ को मानते हैं ना आप? बिल्कुल मानता हूँ। पानी जो है वो इंसान को बड़ा और कूल, एक उसका सेंस है कि वो कूल रखता है आपको, ठीक है। लेकिन मछली खुद बहुत गर्म होती है कि नहीं? तो मिजाजन क्या है? ऊपर से तो आप लगते हैं कि बड़े हंसमुख से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई होगा। नहीं है, काफ़ी कुछ है, लेकिन वो बचा के रखता हूँ मैं, अपने तक ही रखता हूँ, किसी पर निकालता नहीं। किस पे निकालते हैं? मोस्टली अपने ऊपर ही। कैसे, शीशे के सामने खड़े हो? नहीं, बहुत बुरे हो तुम, नफरत है मुझे तुमसे, क्या समझते हो अपने आपको? ये सब अपने ऊपर ही उतारते रहते। इतने एक्सटेंट तक नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा हल्का रखे। हाँ ये, अरे क्या कर दिया ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप किसी और पे गुस्सा नहीं निकालते। इंडिविजुअल स्पोर्ट है ना, तो आप किसी टीम पे तो निकाल नहीं सकते, तो इंसान पे अपनी गलतियों से खुद सीखता है। और ये चीज़ें आपको वो है ना, जैसे व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, तो बेसिकली वही वाली बात है। बेसिकली वो। हाँ जी, बताइए कि ये घर में ये कैफियत आपकी क्या रहती है? ये फिशिंग वहाँ भी है? नहीं नहीं, घर में जी मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, ब्लेस समझता हूँ। माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स ने पूरी ज़िंदगी में सपोर्ट दिया है। एक भाई है मेरा जैन, एक बहन है छोटी शिजा, तो सबकी बहुत सपोर्ट हुई है, बहुत सेक्रीफाइस किए उन्होंने मेरे लिए। दुआएं होंगी अम्मी की तो बहुत, बहुत ज़्यादा। अल्लाह का बहुत बहुत करम है, एंड बस मैं बहुत शुक्रगुजार जितना भी करूँ अल्लाह का, वो कम ही होता है। बेशक आपके पास सब कुछ है, बहन भाई माँ बाप सारा कुछ तो है आपके पास। अच्छा, शादी की तरफ ध्यान नहीं देंगे अभी? मैं तो अभी नहीं दे रहा जी, वालदैन काफ़ी दे रहे हैं। क्या चाहते हैं वो, शादी हो जाए? वो कह रहे हैं वो मछली जाल में फंस जाए किसी तरह। कोई कांटा वाटा दिखाया आपको? कांटे कांटे कुछ कांटे दिखाया आपको? है वो पुराने ज़माने में लड़कियाँ दिखाते थे, तंबू में सिगरेट लगा के उस सुराख में। अभी मैं अभी तक तम्बू तक बात नहीं पहुंची, अभी तक नहीं पहुंची। नहीं, अब तो खैर सिस्टम ही चेंज हो गया ना। हाँ। अब तो ये आ गया ना भाई, वो वीडियो दिखा लेते हैं, वीडियो बनाई, बच्चे लड़के को भी वीडियो दिखाते, बेटा ये वाली देखो जिसपे जूम गया ना, ये है आमना की भतीजी है और जवार साहब नहीं है, उनकी इकलौती बेटी है। इस तरह आजकल रिश्ते तय होते हैं। काफी काफी इस तरह मतलब कि शादियों पे जाएं आप। वैसे आपको शादी इस वक्त करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इस घूम पे शादी हो जाए ना तो क्या होता है कि जो लड़की से आपकी शादी होती है ना उसकी भी एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि यार मैं एक स्टार की बीवी हूँ, उसको भी एक प्रोटोकॉल मिलता है। देखिए ये लड़कियों की अंदर की ख्वाहिशें बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी मैं अपने आपको स्टार समझता नहीं, तो आई एम वेरी नॉर्मल गाय हूं। आपने उस पे टेनिस यार वो तो मैं भी अपने आपको कुछ नहीं समझता वो बात नहीं समझ रहे आप हम, और आप अपने आपको कुछ नहीं समझेंगे ना, ये समझता ना कुछ समझता है। बात ये है कि लोग तो समझ रहे हैं ना आपको, माशाल्लाह अल्लाह आपको और इज़्ज़त में इजाफा करें। मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मेरे रहे हैं, जहांगीर खान से मेरी बड़ी रही है, जहान शेर खान से बड़ी, तो ये भी अपने दौर के अंदर बड़ा बड़ा इन्होंने गेम किया है। मकसद जो मेरा कहने का आपसे वो ये है कि शादी अगर अपने उसमें हो जाए तो रोमांस में कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से काफ़ी रोमांटिक हूँ मैं, पाइसिस हूँ, काफ़ी रोमांटिक होते हैं। पाइसिस रोमांटिक तो होते हैं मुझे पता है, तो किस चीज़ पर जाकर रह जाते हैं? आंखें, बाल, मोस्टली मेरे ख्याल से फर्स्ट दो चीज़ें जो मैं देखता हूँ वो मेरे ख्याल से आंखें और स्माइल हैं। आंखें और स्माइल उसका भाई मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं। मैं समझ शायद ये उसको ले देखते हैं और फिर उसके भाई को स्माइल को देखते हैं तो ठंडे हो जाते हैं कि नहीं यार ये बड़ा जानदार है स्माइल। अच्छा ये तो कमजोरी है, ये हर इंसान को अच्छी लगती है। आंखें और बाल नहीं, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट बाल कहीं को छोटे भी अच्छे लगते हैं, कहीं को बड़े भी अच्छे लगते हैं। बाल इतने होने चाहिए कि आदमी पकड़ के मार सके बाल। मतलब आप नहीं ये सहूलियतें होती हैं सास नंदों के लिए। आदमी उनके लिए कहता है बाल बड़े होता है कि अम्मी के हाथ में दूर से आ जाए। आप जाती तौर पे कहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गेम आप या आप करके आए हैं जी, आप क्या देखते हैं कि हमारे मुल्क में इसमें क्या करना चाहिए? हमारी मिनिस्ट्री है हमारी जो स्पोर्ट्स की, उसको क्या ऐसा करना चाहिए? मज़े जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली कैश इन ऑन माई अचीवमेंट्स जो भी की हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को मल्टीनेशनल कंपनीज उनको अप्रोच करना चाहिए कि देखें जी एक लड़का है हमारे मुल्क से निकल के आया है और इस तरह के और भी बहुत बन सकते हैं। आई थिंक स्कूल लेवल्स और कॉलेज लेवल और पब्लिक कोर्ट्स ज़्यादा होने चाहिए। क्रिकेट ग्राउंड में आप आराम से 20 टेनिस कोर्ट्स बना सकते हैं अगर सिर्फ लाइनें लगाने की बात है, लेकिन लोगों को ना पब्लिक कोर्ट्स अवेलेबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। सब कहते हैं जी बहुत एलीट क्लास की गेम है क्योंकि वो प्राइवेट क्लब्स की आपको मेम्बरशिप देनी पड़ती है। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ना थोड़े से पब्लिक कोर्ट्स बनाए जाएँ और इसी तरह जो है लोगों में फिर जो है ना शौक भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। US ओपन में पहुँचने वाले आप पहले खिलाड़ी हैं मेरा? हाँ जी, पहला फाइनल्स में पहला पाकिस्तानी और पहला मुस्लिम, पहले मुस्लिम पहले पाकिस्तान। हाँ जी। एक आपके जो साथ खेल रहे थे जी, वो इंडिया से हैं जी, उनका क्या नाम है? रोहन बोपाना। रोहन बोपाना, हाँ यार ये नाम हमारे चढ़ते हैं ना। रोहन आप काफ़ी अरसे से इसको प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं हाँ जी 14 साल से। हाँ तो भाई यार अब मेरे तो अभी 14 सेकंड भी नहीं हुए। रोहन बोपाना जी को भी हम मुबारकबाद देते हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हो कि उन्होंने बड़ा जम के खेला आपके साथ और आप दोनों ने एक तरीके से मैं समझता हूँ आप लोगों ने पूरे एशिया को जो है ना सब कॉन्टिनेंटल को आपने प्रेजेंट किया, बहुत अपना अच्छा किया आपने और आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। आज आप लोगों को लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, अल्लाह करे कि आप उनके साथ और मज़ीद कामयाबी तक जाएँ। अच्छी बताएँ कि क्रिकेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस गेम को देख के आप कोई मशवरा देना चाहते हैं इन खिलाड़ियों को? नहीं खिलाड़ियों को तो जी बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्रिकेट का एज अ पाकिस्तानी। मेरे ख्याल से एक ही स्पोर्ट्स है जो कि पूरी कंट्री को टुगेदर कर सकती है और करती रही है काफ़ी सालों से। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है जो न्यूज़ सुनता रहा हूँ मैं, बाहर भी काफ़ी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं टेनिस के, वो आके फिर मुझे ही पूछ रहे होते हैं कि क्या बन रहा है क्रिकेट के बारे में ये वो, तो ना थोड़ी सी एम्बैरसमेंट सी होती है। लेकिन अभी आई एम वेटिंग कि अल्लाह करे कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं वो गलत निकलें सारे। लेकिन बात ये है कि आई थिंक जब किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में आई थिंक जब वो कलर मिलता है ग्रीन कलर, उसकी रिस्पेक्ट बहुत करनी चाहिए और उसकी कदर बहुत करनी चाहिए क्योंकि उसी वर्दी की वजह से जो है ना आपका नाम बनता है, आपकी इज्जत बनती है। तो आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे टेनिस हो, वंस यू वेयर दैट ग्रीन कलर आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और सारे एथलीट्स को वो एहसास होना चाहिए कि आप जहाँ भी जा रहे हैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिधर भी जा रहे हैं उधर जो है ना आपको मेरे ख्याल से बेस्ट जो कंडक्ट आप कर सकते हैं करना चाहिए। आप आप ऐसा समझते हैं कि ये कोई साजिश हुई है, कोई ऐसी चीज़ बनी है पाकिस्तान की पूरी बोर्ड के खिलाफ, क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ? ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी आई होप कि यही चीज़ हो जी, किसी ने कोई साजिश की है बहुत बड़ी, क्योंकि यंगस्टर जो भी हमारे तीन हैं माशाल्लाह बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। और आमिर के साथ तो मैं मिला हुआ भी हूँ, पिछले साल हमने 1-2 ऐड शूट किए थे, तो इज़ अ वेरी नाइस गाय और काफ़ी ऑब्वियसली ग्रेट बॉलर। आई थिंक वसीम अकरम के बाद कोई और लेफ्ट आर्म बॉलर जितना हमें अच्छा मिला है, तो आई होप सारी एलिगेशंस जो हैं अल्लाह करे, खुदा करे कि झूठ हो, अल्लाह करे, क्योंकि ये वाकई में मुझे लगता है किसी की बड़ी गहरी साजिश है। अल्लाह करे गलत साबित हो सारे, ये साबित ही हो जाए तो खुदा करे कि। अच्छा, डांस का और म्यूजिक का शौक है मुझे? हाँ जी, दोनों का। म्यूजिक पसंद है? म्यूजिक भी पसंद है, डांस करने का बहुत शौक है। इधर नहीं गा रहा लेकिन वैसे शौक है काफी। नहीं, वो तो मैंने आपका कोई यहाँ डांस अरेंज नहीं किया हुआ, मकसद कहने का पूछ रहा हूँ शौक आपके कि मेरे मालूमात में ये है कि आपको डांस का शौक है, म्यूजिक का बड़ा शौक। म्यूजिक किस किस्म का, कौन सा? बेसिकली जी पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह इतना अच्छा लेवल हो चुका है म्यूजिक का। राहत अली फतेह खान साहब हैं, उसके बाद राहत फतेह अली खान का आपको कौन सा गीत ऐसा जो लड़ा है? काफी उनके ये जो आपने सांस निकाली है ना, ये जो फनकार है ना, कब निकलती है? जब इश्क में दूसरी तरफ से जवाब मिल जाता है कि नहीं अब्बू नहीं मान रहे, ये वो वाली थी। उनके माशाल्लाह काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग्स हैं मोस्टली, अगर देखें बहुत रोमांटिक और ट्रेजिक, बहुत डीप। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है अभी मैं 2-3 सालों से वो उस चीज़ से बचा हुआ हूँ, तो ऐसे मैं अपने आप को किसी गाने से रिलेट नहीं कर सकता। नहीं, कोई तो होगा ना गाना कि आप सोचते होंगे इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो ये गाना गाया करूँगा, अगर ऐसा हो गया तो ये, वरना तो फिर ये तो है ही। नहीं, अभी तक ऐसा नहीं सोचा। वैसे कौन सा पसंद है आपको उनका गाना? मैं देखें वो गाने सुन रहा हूँ, उनके नाम मुझे अब सब याद नहीं है, मैं पूरी एल्बम पढ़ी हुई है लेकिन गानों के नाम ऐसे मुझे मैं बता देता हूँ। हामिद, जावेद, रशीद। किसके नाम चल रहे? म्यूजिशियंस के नाम? नहीं, गानों के नाम। गानों के? हाँ, अली ज़फ़र है, आतिफ है, कॉल बैंड है, जल है, मैं के सारे इनको सुनता हूँ। इंग्लिश में बड़े अच्छे लड़के, जल वाले लड़के बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे, छोटे छोटे हैं, बड़ी उम्र होगी लेकिन कद छोटे हैं। तो आप अब ये गेम कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में भी सोचते होंगे हमेशा जो हालात हैं, बिल्कुल पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचते होंगे? सोचता हूँ लेकिन ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, मैं पॉलिटिक्स से दूर ही रहता हूँ। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैन को पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहिए। क्या उस मोहल्ले में भी नहीं रहते जिसमें कोई पॉलिटिशियन रहता? उसमें तो हूँ मैं। तो कौन सा पॉलिटिशियन रहता है आपके एरिया में? हमारे जी चीफ मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के, शहबाज शरीफ साहब। तो शरीफों में रहना तो कोई बुरी बात नहीं है। है तो नहीं, शरीफों में रहें और थोड़ा सा आगे निकलेंगे आप उनके घर से तो गुलबर्ग आ जाएगा, वहाँ बाबरा शरीफ है। ये मुझे नहीं पता था। और इधर से मॉडल टाउन की तरफ आएंगे तो मैं उमर शरीफ। आप चारों तरफ से शरीफों में घिरे हुए हैं, इसलिए अभी तक शरीफ ही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है यार। वैसे एक बात है, बहुत बड़ी बात है, आप स्पोर्ट्स में और शरीफ हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हो ना? हाँ, वो ज़रा थोड़ा सा। अच्छा, इसमें भी क्रिकेट की तरह ख़वातीन की एक लाइकिंग है? वो रिस्पॉन्स है जो हमारे क्रिकेटर्स खेलते हैं? इस दफ़ा तो आके फील हुआ है जी मुझे माशाल्लाह। कुछ लड़कियाँ आई ऑटोग्राफ के लिए? कुछ नहीं, काफ़ी आई, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। कोई टेलीफोन नंबर्स वगैरह भी दे देते हैं? नहीं, नहीं देता। टेलीफोन नंबर नहीं देते? मैं नहीं देता। वो नंबर नहीं देते हैं? नहीं। क्यों नहीं देते अपने फैंस को आप? वो जी बस फॉर मी टू नो एंड देम फाइंड आउट, फॉर देम टू फाइंड आउट, लेकिन वो फाइंड आउट नहीं होता आराम से। यार आप है ना समंदर की तरह ही हैं, गहरे फिश, कभी कभी तो तह में जाके बैठ जाती है फिश। बैठ भी जाता हूँ मैं बहुत दफ़ा, बहुत बैठे आप भी अकेला? हाँ, अकेले गुम हो गए बिल्कुल। अच्छा, आर्टिस्ट कौन कौन से पसंद है पाकिस्तान में, इंडिया में, हॉलीवुड में? स्टार्ट यू जी माशाल्लाह, आप मेरे ख्याल से जितना आप लोगों को मुस्कुराने का मौका देते हैं, प्रेशरीन वक्तों में भी, पहले से भी, बचपन से माशाल्लाह आपको देख रहा हूँ। यू बिन डूइंग एन अनबिलीवेबल जॉब और अपने मुल्क का, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन करते रहते हैं सालों से। आई थिंक उस तरह हमें भी जो है ना काफ़ी खुशी मिलती है। और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम था बकरा किस्तों पर, बहुत दफ़ा देखा हुआ है बकरा किस्तों, और मैं इंडिया भी जाता हूँ काफ़ी दफ़ा। यू नो मुझे तो पता नहीं होता प्लेयर्स वगैरह का, लेकिन प्लेयर्स सिर्फ उस ड्रामा से रिलेट करते हैं आपको भी, तो माशाल्लाह वही है कि आप अपनी फील्ड में इतने सालों से अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी फील्ड में करूँ। अल्लाह करे कि आप और हमसे भी ज़्यादा अपना नाम रोशन करें, लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम है जो आपके साथ नहीं है। बताइए वो क्या है? आप ही जानते हैं जी, बता दें। बताइए क्या हो सकती है? नो आइडिया। मैं आपको बताता हूँ। इस चैनल को जिस पे हम बैठे हैं जी सर्वाइवल के लिए ब्रेक्स चाहिए होती है। अच्छा। जिसमें कमर्शियल चलता है, आपका ही चल सकता कोई, उससे पैसे मिलते हैं, उससे ये सब चलता है, उसके लिए एक ब्रेक ले रहा हूँ आपसे विद एक्सक्यूज। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, फिर करते हैं आपसे दोबारा बात। आसम उल हक हमारे साथ मौजूद हैं, 10th स्टार विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप जैसे कि देख रहे हैं और आज हमारे लिए बड़ा एक खुशी का लम्हा है, एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आसम उल हक साहब। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, बड़ी मायूसी में एक रोशनी की किरण बन के उभरे हैं और एक मैं समझता हूँ कि कौम को एक एहसास हुआ है, ज़रा सा उनका दिल खुश हुआ है कि यार हम कहीं पर अगर लूज़ कर रहे हैं तो कहीं पर हम कुछ मिल भी रहा है और हम किसी सतह पर भी रिकगनाइज़ होते हैं, एक बड़ी बात होती है। आसम, आपसे मेरी गुफ्तगू जारी है। आप पाकिस्तानी फिल्में भी देखते हैं? खुदा ना करे कभी देखी? खुदा ना करे देखी, वो जो थी खुदा के लिए देखी है। वही वही खुदा के लिए। आप देखते हैं पंजाबी फिल्में? बहुत अच्छा हो गया। मेरे से लास्ट पंजाबी फिल्म देखी थी, मौला जट देखी थी मैंने। अल्लाह, लास्ट? हाँ जी, वो तो आज से 30 साल पहले बनी थी। बस बस जब मैं पैदा ही हुआ था, मैं आज से पहली दफ़ा सिनेमा अम्मी अबू मुझे वही दिखाने गए थे। पैदा ही हुए थे तो मौला जट देखने चले। आपका बचपन तो गंडासे में ही गुजर गया। तो उस वक्त तो बहुत हिट मूवी थी। नहीं बहुत हिट क्या? हाँ, वो एक ऐसी पिक्चर है जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को यानी के लोगों को अरबपति कर दिया था, इतना कमाया, बिजनेस किया उस पिक्चर। बहुत बड़ी पिक्चर थी और राय साहब भी अपने टाइप के बहुत बड़े स्टार थे, नो डाउट। पाकिस्तान में फिल्मों में हीरोइने, आप देखते हीरोइंस हैं हमारी जी, आपको लगता है कि ये स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल लेवल को? नहीं, एक्ट्रेसेस तो फॉर श्योर मेरे ख्याल से हमारी ज़्यादा बेहतर एक्टिंग करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको उर्दू आती है। इंडियन जो मोस्ट एक्ट्रेस उनको तो हिंदी या उर्दू आती नहीं बोलनी, काफ़ी वो लिप सिंकिंग कर रही होती है। खून कहती है, खून। मेरे पापू का खून हो गया, ये बोलती है। एक्टिंग है वो, आपको ज़्यादा पता है। मेरे ख्याल से हमारी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हैं एक्टिंग वाइज, लेकिन वो ग्लैमर वो जो आई थिंक इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन है और वो जो मार्केटिंग है उनकी और वो जो खुद पैसे खर्च करके मिस वर्ल्ड बना लेते हैं किसी को भी। डियाना हडन को भी बना लिया और यकता मुखी भी मिस वर्ल्ड बन गई और ऐश्वर्या राय भी। ऐश्वर्या चलो खूबसूरत थी, लेकिन क्या उसने सही शादी करी उसके साथ जी? आपका दिल दुखा या खुश हुआ? मेरा नहीं दुखा। मेरी कभी वो फेवरेट एक्ट्रेस रही भी नहीं वैसे, वो नहीं रही। तो माधुरी दीक्षित एज एन एक्ट्रेस या माधुरी या क्या मतलब या क्या? नहीं, खूबसूरती की बात कर रहे हैं, एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आपके नज़दीक ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? मेरे ऑफ कोर्स एक्टिंग अलग है, खूबसूरती अलग है। बिल्कुल यार, ये तो इसका मतलब आपको बहुत सेंस है। अब तो आपसे बात करने में मज़ा ज़्यादा आएगा। माधुरी दीक्षित तो अच्छी लगती होगी, वो तो हर एक को लगती है, अंधों तक को अच्छी लगती है। मैं पता आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ, हमारे यहाँ लोगों को ये होता है कि यार ये जो किसी फील्ड में चले जाते हैं, बस इनको इसी बात का पता होता है, ये गेंद है, ये बल्ला है, ये पिच है, ये वो लोग जानना भी चाहते हैं यार क्या है। मूवीज का मुझे बहुत शौक है जी, एक्चुअली आई लाइक टू गो टू द मूवीज एंड वॉच देम इन द सिनेमास ज़्यादा। मुझे DVD और नहीं आता बिल्कुल, और काफ़ी दफ़ा इंडिया जाने का भी मुझे हुआ है, तो उसमें फिर इंडिया में जाके फिर वहाँ पे बिग स्क्रीन पे देखता हूँ इंडियन मूवी। देखते हैं इंडियन मूवी, कैसी लगती है आपको? मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दरम्यान में जो गाने आना शुरू होते हैं ना, उस पर विश करता है कि DVD का प्लेयर हो तो फॉरवर्ड कर दूँ मैं गाने, फॉरवर्ड कर दूँ। शर्मा उसमें ये फैसिलिटीज है बिल्कुल नहीं है, हालांकि वो उनके यहाँ गाने पर ही फिल्म चलती है। हाँ, अब स्टोरी पर नहीं चलती। लेटली बहुत शुरू हो चुका है वो ट्रेंड, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जी, आई थिंक क्रेडिट मैं एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग तो पाकिस्तानी सिंगर्स को ही दूंगा जो पिछले 2-3 साल से वहाँ पे जाके गा रहे हैं और सारे हिट हिट गाने गाते जा रहे हैं और सारे उन्हीं के गाने हिट हो रहे हैं, उन्हीं के हो रहे हैं, मूवी भी उनकी हिट वैसे हिट हो रही है। उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री हमारे लड़कों पे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। अब 3 बहन भाई हैं माशाल्लाह। हाँ जी, और एक अम्मी अबू हैं। ये आपको कमी नहीं लगती कुछ? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जी, माशाल्लाह 3 बहन भाई हैं, अम्मी अबू हैं माशाल्लाह, 2 मेरे नेफ्यूज़ भी हैं अब, एक 3 साल का, एक 5 माह का है माशाल्लाह। माशाल्लाह, मामू जान बिल्कुल, मतलब मामू बना दिया मुझे, बना दिया जी अभी वजीर आजम साहब को बना दिया था लोगों ने, आप तो क्या चीज़ है। अभी वजीर आजम साहब को मामू बना दिया लोगों ने, खाली कैंप पे ले जाके जाली कैंप में बिठाया, मामू बन गए वो। तो आप भी बन गए। तो अच्छा, आपकी ज़िंदगी का आइडियल क्या है? कौन सी ऐसी आप चाहते खूबी हो आपकी ज़िंदगी में आने वाली उस लड़की के बारे में कि वो आपके घर में एडजस्ट हो जाए? अम्मी की भी ज़ाहिर दिमाग को रखेंगे जहन में, बहन की भी, भाई की भी, वालिद की भी, इतने सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी और लड़की एक होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट करती है तो डेफिनेटली वो मेरी फैमिली को भी रिस्पेक्ट करेगी। तो दैट्स द मेन की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा हमेशा से रहा है कि आई वॉन्ट समवन शी शुड लव मी फॉर हु आई एम, नॉट फॉर वॉट आई डू। मुझे एज अ पर्सन पहले जाने प्यार करें, नॉट एज बिकॉज आई एम अ टेनिस प्लेयर और स्टार जो आप कह रहे हैं मुझे। और यार मैं कहता हूँ वो हो जाता है। अच्छा, आप बिलीव करें, मैंने जो कहा है ना, अल्लाह ने उसकी बड़ी मुम्मे हमेशा, आप एक स्टार बनेंगे डेफिनेट। थैंक यू जी। क्योंकि आपके अंदर ना एक झुकाव भी है। जब आदमी के अंदर एक थोड़ा सा फ्लैक्सीबिलिटी होती है ना, वही आदमी स्टार बनता है। नहीं, अल्लाह का करम है जी, बचपन से अम्मी अबू ने सब कुछ दिया है मुझे और हमेशा यही सिखाया। यार अम्मी अबू देते हैं, पड़ोसी थोड़ी नहीं। मैं कि जो चीज़ मांगी है, जब भी मांगा है कुछ, किसी कमी नहीं होने दी। और हमेशा यही सिखाया कि गुरूर का सर नीचे ही होता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। वन हैज़ टू काउंट हिज ब्लेसिंग्स। और फिर जो ना अल्लाह। लेकिन आप इतने अच्छे, गुड लुकिंग भी हैं, हाइट भी है, स्मार्ट हैं, अगर कोई फिल्म से इंडिया में ही ऑफर हो गई, और इंडिया में ज़रूर होगी आपको ऑफर, तो क्या करेंगे? शौक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे है कि आई वुड लाइक टू ट्राई। हम तो ऑडियंसेज और जो लोग होते हैं वो तो 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि पिछले 6-7 महीने से आपने कितना जो है ना हार्डवर्क किया हुआ है। एज ए टेनिस प्लेयर ऑल्सो लोगों ने तो अब जाके 12 साल के बाद मेरा U.S. Open फाइनल देखा है, बट दे डोंट रियलाइज कि एक्चुअली इट टुक मी 12 इयर्स टू गेट टू 12 साल आप क्या करते रहे टू गेट टू दैट पॉइंट। तो आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस इट, आई थिंक इट विल बी फन। अगर ये एक्सपीरियंस करेंगे तो किसके साथ करेंगे? वो तो मेरे ख्याल से जी एक्ट्रेस ही होगी, एक्टर या डायरेक्टर जो मुझे साइन करेगा। मेरी तो कोई ऐसी बोल नहीं होगी। कोई विश तो होती है ना आदमी की, यार इसके साथ आया तो बस फिर तो सही है। ऑनेस्टली अभी तक इतने लेवल तक नहीं सोचा मैंने। वो आप ही मुझे बता दें शायद कौन सी बेस्ट होगी मेरे लिए। यार मैं अपनी पसंदीदा लड़कियाँ आपको दे दूँ। यानी ये तो एक अजीब सा काम शुरू कर रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए कौन सी अच्छी आपके ख्याल से होनी चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे ख्याल से आपके लिए रीना राय ठीक रहेंगी। क्या हुआ, मायूसी हुई? नहीं जी, आप सीनियर हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए करीना कपूर। अच्छा, आपके भी जहन में यही था? ऐसे खेलते हैं दर जहन, खेलते हैं। 3 सवाल में पूछता हूँ मैं। अच्छा चलें। करीना कपूर आपके दिमाग में है? अब आपने डाल दिया है। चलें, मैंने डाल दिया। मैंने दिमाग खोल के स्क्रू से डाला। यार कुछ पहले से था इन्फेक्शन अंदर। करीना कपूर सोचे सोचे। सिंगल नहीं है ना वो, तो फायदा क्या है? वो आप ही की तरह डबल का धोखा दे रही है। वो सिंगल है। अच्छा चलें ठीक है। एक है अभी नई आई लड़की, बेटी है शत्रु की। अच्छा, पता नहीं। वो भी पिक्चर आई है दबंग। दबंग मैंने अभी देखी नहीं। दबंग दबांग वो आई है। और एक लड़की है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, काजोल। एज एन एक्ट्रेस, बिग काजोल फैन। वाह काजोल, क्या बात है, गुड चॉइस। गाने किसके लेंगे आप? गाने किसके लेंगे? गाने तो माशाल्लाह जी अपने हैं। आतिफ हो गए, अली जफर हो गए, राहत फतेह अली खान साहब हो गए। तो वो तो छाए में इंडियन इंडस्ट्री पे, पाकिस्तान में भी। गाने हमारे लोगों के हो गए, बिल्कुल। हीरोइन उनकी हो गई। हाँ जी, हीरो आप हो गए। अच्छा, लगाएंगे कहाँ हम ये बात बताएं? मेरा से काजोल के साथ तो यहाँ पे भी लग सकती है। यहाँ सारी फिल्में लग रही हैं, बस हमारी वहाँ नहीं लग रही है। उनकी तो यहाँ सब लग रही हैं। वो भी लग जाएगी जी, हमारी वहाँ लगनी चाहिए। बिल्कुल है कि नहीं? मेरे ख्याल से क्रिकेटर्स में किसको पसंद करते हैं ज़्यादा, फेवरेट कौन है आपको लगता है ये बंदा? ऑल टाइम फेवरेट तो जी इमरान खान कहूँगा मैं। इमरान खान, हाँ जी, स्पोर्ट्स आइकॉन है मेरे ख्याल से मुल्क में। उसके बाद वसीम अक्रम। आई थिंक दुनिया के बेस्ट बॉलर रहे हैं वो। आई थिंक उस तरह के प्लेयर कम ही पैदा होते हैं। जावेद मियांदाद को क्या समझते हैं? ह्यूज। आपने फेवरेट से कहा है तो उसमें, क्योंकि मैं कॉलेज में, स्कूल में हमेशा बॉलिंग के हिसाब से नहीं बॉलर्स रहा हूँ मैं हमेशा। अगर उनको पता चलेगा वो बोलेंगे यार ये इसीलिए मैच हार गए। नहीं जी, अभी तक मुझे उनको शारजा का छक्का याद है। और मैं हर पाकिस्तान, हर पाकिस्तान आप इंडिया गए वहाँ तो बड़े छक्के नजर आए होंगे। असम भाई आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए अपना मैच करके, और तो गवर्नर पंजाब ने आपको एक डिनर में आप तशरीफ़ ले गए जी, और उस डिनर में जब आप से कुछ कहा गया कि आप बोलें कुछ, तो आपकी आंखें वहाँ जो थी भर आई, और वो फीलिंग्स काफ़ी इमोशनल सीन हो गया था। बेसिकली जी पूरी ज़िंदगी ये कोशिश की है कि कुछ ऐसा काम करूँ जिससे माई पेरेंट्स कैन बी प्राउड ऑफ मी एंड माई कंट्री कैन बी प्राउड ऑफ मी। अल्लाह के फजल करम से वालदैन तो हर दिन ही कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत फ़ख्र है तुम पे ये, लेकिन इस पहली दफ़ा 12 साल के बाद जब मुल्क वापस आया हूँ तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि माई कंट्री इज़ ऑल्सो प्राउड ऑफ मी। यस, तो वो जो वेट इन अ वे थोड़ा सा शोल्डर्स पे था ना, वो थोड़ा सा उतरा है। yes. तो वो थोड़े से इमोशंस जो है ना, आई वॉज नॉट एबल टू एक्चुअली कंट्रोल दैम। उस पर सामने मेरी नानी बैठी हुई थी, मेरी मदर बैठी हुई थी, मेरे नाना माशाल्लाह मरहूम ऑल इंडिया नंबर 1 रह चुके हैं बिफोर पार्टीशन टेनिस में माशाल्लाह, और मेरी अम्मी जो हैं 10 साल नेशनल चैम्पियन हो चुकी हैं टेनिस की माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आपकी बात को ज़रा सा यहाँ रोकूँगा एक लम्हे के लिए, वो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे हसीन चीज़ अगर कोई है तो वो माँ है। बिल्कुल जी। और आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन सरमायादारों से भी आगे आप हैं उस आदमी को मैं समझता हूँ जिसकी माँ जिंदा है। और मैं चाहता हूँ कि आपने एक अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने घर वालों का, अपने कंट्री का, नेशन का आपने सर फख्र से बुलंद किया, और स्पेशली क्योंकि आपकी मदर इस शो में बैठी हुई हैं, मैं चाहूँगा कि हम सब मिलके इनकी वालदा के लिए कि उन्होंने एक ऐसा बेटा इस कौम को दिया है कि जो इस मुल्क का नाम रोशन कर रहा है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर और करेगा। बहुत सारी तालियां उनको। और आप फिर वहीं आ जाते हैं तो बस वो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप से अ फ्यू वर्ड्स। तो उस वक्त नाना की थोड़ा सा जिक्र हो रहा था इंट्रोडक्शन से पहले, तो टेबल में बैठा हुआ नानी के साथ और अम्मी के साथ, तो वो थोड़े से ना नानी थोड़ा सा रोना शुरू हो गई। तो जब मैं हाँ जी, तो हमेशा लाइफ में ये कोशिश रही टू फॉलो माई ग्रैंड फादर्स फुटस्टेप्स और माई पेरेंट्स फुटस्टेप्स। तो जब मैं स्टेज पर चढ़ा हूँ तो उस पर जो है ना वो सामने मेरी अम्मी और वो नानी थोड़ा सा रो रही थी, और वो बस मुझसे वो जो ना इमोशंस कंट्रोल नहीं हो गए। सारी फैमिली और फ्रेंड्स थे और पेरेंट्स थे, और वो बस 12 साल 15 साल की जो मेहनत थी उसका मुझे लगा कि थोड़ा सा फल मिला है। तो वो जो है ना वो साई ऑफ रिलीफ जो होती है ना वो थी, और बस वो एकदम इमोशंस कंट्रोल नहीं किया। हाँ जी, वो कंट्रोल नहीं किया गया, कंट्रोल नहीं होता। ये हकीकत बात है, ये नेचुरल है, इसका कोई वो आदमी इसको आदमी परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ जी, ना कह सकता है। पंजाब से आपका ताल्लुक है, लॉरिए हैं आप, खाना पीना तो उस चीज़ में थोड़ा सा चोर हूँ। अरे खाने पीने का इतना शौक नहीं यार, पंजाब तो हमारा खाने में तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे जो बट हैं तो आपको पता ही है कभी उन्होंने नहीं कहा पेट भर गया, कभी नहीं कहा बट उन्होंने कहा जी पेट भर गया, हमेशा उन्होंने कहा बस भाजी मैं थक गया थक के उठते हैं वो। तो आपने कैसी अपनी ये फिटनेस रखी हुई है? मेरे ख्याल से जी बचपन से खेलने कूदने का बहुत शौक था मुझे, और हमेशा से खाने का मैं चोर ही रहा हूँ जो अम्मी बताती हैं, और अभी भी है। मीठे का बहुत शौक है, और बस खाता मैं इसलिए हूँ मैं ट्रेनिंग करनी होती है, और वो भी काफ़ी डाइट का मैं ख्याल रखता हूँ मैं कि जंक फूड वगैरह नहीं खाता और फिजी ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीता। इस तरह की चीज़ें काफ़ी जो है ना उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, और साथ में खास एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ हर दिन 6-6 घंटे, तो वो जो है ना सारा खाना निकल जाता है। करते हैं आप बहुत ज़्यादा? हाँ। और कोई सुना कि साल में कोई 300 दिन बाहर रहते हैं मोस्टली? मोस्टली हाँ जी। तो 65 दिन घर वालों के लिए होते हैं? 65 से हाँ, इतने ही समझ लें, 50-65 दिन आपने रखे में घर के लिए। 60-70 हाँ चाहता तो मुझे कि और बहुत ज़्यादा वो फील करते होंगे आपका। मैं करता हूँ जी काफ़ी, मतलब कि शादियाँ मिस होती हैं, ईद मिस होती हैं, बर्थडेज मिस होती हैं। शादी में ज़रूर आना आपने, कोशिश तो यही है। ये ज़रूर क्या पता क्या उसमें वो नहीं चलेगा, वो मसला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ कोशिश उसका पहले से वक्त निकाल के रखिए इंशाल्लाह 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 ताला, है ना। अच्छा, हीरोइन पे भी हमारी बात हुई, फला म्यूजिक पे भी हो गई, हमारे गेम्स पे भी बात हो गई, पॉलिटिक्स को आपने पॉलिटिक्स को कहा कि आप उसमें बात नहीं करना चाहते हैं। मैं तो जी ऑब्वियसली उस बंदे का साथ दूंगा जो हमारे मुल्क को सही रास्ते पे चला सकता है, बेसिकली चाहे वो कोई भी हो। इफ़ आई फील द पर्सन इज़ डूइंग अ राइट थिंग आई थिंक कॉम को पता ही होता है कि कौन बंदा सीधे मुल्क को चला रहा है, तो आई विल बी विद द नेशन एंड आई विल सपोर्ट हिम। आप सपोर्ट करेंगे और आप मतलब बंदा कोई भी हो और वो जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर सोच रहा हो। ऑब्वियसली जी, हाँ जी। और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ फ़नकार हो गए, स्पोर्ट्स के लोग हो गए या इंटेलेक्चुअल हो गए या म्यूज़िक के सिंगर्स हो गए, म्यूज़िक भी एक अपनी आवाज़ रखती है, एक अपनी सज़ा रखती है, उसकी एक अपनी एक कशिश है। तो मैं समझता हूँ इन लोगों से कभी मुल्क की सतह पे काम नहीं लिया गया। ठीक है, मैं इस बात को कहता हूँ कि हम लोगों से काम लेना चाहिए। ये जो लड़ाई झगड़े बॉर्डर्स पे होते हैं ये अगर फनकार बैठ के तय करें ना, ये पॉलिटिशियनों से अच्छा तय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है। ये जो पॉलिटिशियन होता है ना, वो अड़ गया वो अड़ गया उड़ गया, फनकार तो बैठे दो तीन आपस में बातें करी, हंसमु करो और चलो भाई फारिग और झगड़ा ख़त्म। तो एक ब्रिज बननी चाहिए ऐसी, हमारी कल्चरल ब्रिज होनी चाहिए, हमारी स्पोर्ट्स की हमारी एक ब्रिज होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर हम चलें। बिल्कुल। और हमारे आपस में हमारी जो दो मुख्तलिफ नेशंस हैं इनका आपस में मिलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दिलों की रंजिशें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ डायलैक्ट्स होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि फाइट के अंदर कुछ नहीं रखा, ख़ातिन-ए-हज़रात फाइट के अंदर कुछ नहीं रखा, सारी बात है डायलैक्ट की। डायलैक्ट बोलने पड़ेंगे और हम डायलैक्ट इसलिए बोलते हैं कि हमें डायलैक्ट बोलने की कीमत मिलती है, वो कीमत चुकाने की पड़ती है ब्रेक की शक्ल में।